गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और भाई मैं आ चुका हूँ अपनी छत पे। गर्मी बहुत है भाई आज, लेकिन फिर भी मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं अपने कबूतरों के लिए ब्रीडिंग केज बनाऊंगा। और भाई पेटी मेरे पास, ये कुछ पुरानी पेटियाँ हैं, इन्हीं से ही मैं बहुत अच्छा ब्रीडिंग सेटअप बनाने वाला हूँ। और ब्रीडिंग सेटअप बनाने के लिए मैंने क्या क्या तैयारी की है, चलो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और लास्ट में आप देखेंगे कि मैंने अपने घर में पड़ी हुई लकड़ियों से और जो भी टूटा फूटा सामान है उससे कितना अच्छा ब्रीडिंग सेटअप बनाया। वीडियो को पूरा देखना, और भाई चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो भाई इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने आरी ले लिया लकड़ी काटने के लिए, कील वील मुड़ जाए तो उसे निकालने के लिए प्लास ले लिया, हथौड़ा ले लिया, और भाई छोटी सेब की पेटी वाली कीले लाया था मैं 50 ग्राम, और 50 ग्राम ये जूते वाली कीले हैं। अब इनसे सारा सामान मैंने रेडी कर लिया है। 10 रुपये की ये वाली आई है, 10 की ये आई है, और ये पेटियाँ लगभग 5 रुपये के पेटी के हिसाब से मैं 25 पेटी लाया था भाई। कुछ मैंने अपने दोस्त के यहाँ पहुँचा दिया, आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा। और मैंने कुछ फट्टियाँ और ईंटें डाली हैं, पहले ही डाल ली थी भाई मिनी व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मैं आजकल मिनी व्लॉग भी बना रहा हूँ। सबसे पहले हम इस पाइप को हटाएँगे और इन ईंटों से यहाँ पर बेस बनाएँगे, बहुत अच्छा बेस बनाएँगे, क्योंकि भाई इसमें थोड़ा गैप है, इसमें लगभग इतना गैप है 2 इंच का, तो उस गैप को पूरा करने के लिए हम इन ईंटों का यहाँ पर बेस बनाएँगे। ये देखो भाई, यहाँ से पाइप बहुत ही इजीली हट गया, और ये जो इसका कुंडा लगा हुआ था, ये वाला यहाँ से पिनअप हुआ हुआ था, ये बहुत ही इजीली हट गए। और मैंने इसको यहीं के यहीं ऊपर घुमा दिया भाई, और ऐसे घुमा के जो ये नीचे वाला पोर्शन था ये ऐसे कर दिया भाई, यहाँ पे ऐसे बैंड हो गया। और ये यहाँ पर अभी फट्टी लगा दी मैंने, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर क्लिप लगाना पड़ेगा, वो मैं बाद में आराम से लगाऊँगा। फ़िलहाल हम आगे का काम करते हैं, फिलहाल इसका बेस बनाते हैं। ये सारा कचरा यहाँ से हटा के पहले बेस बनाएंगे। ये देखो भाई, इतना सब कुछ रेडी हो चुका, कल रात बारिश आ गई थी तो इसलिए काम अधूरा रह गया था। अब बस ये 2-3 खाने ये बनाए, 3 नीचे बनाए और 3 इसके ऊपर आएंगे, और फिर छत डल जाएगी। और भाई काफ़ी सस्ते में ये मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को लास्ट में बताऊँगा कि इसमें कितना खर्चा आया और कितनी मेहनत लगी। और भाई खाने कमेंट्स करके बताना, छोटे हैं या बड़े हैं या ठीक हैं, इतने खाने होने चाहिए जोड़े वाले कबूतरों के लिए, अंडे बच्चों के लिए। ठीक है भाई, अब बस इसमें ऊपर वाले पोर्शन में खाने बना के फटाफट से इसकी छत डालते हैं। धूप बहुत हो रही है भाई, पसीने पसीने हो रहा हूँ, लेकिन आज इस काम को कंप्लीट करते हैं और कल को अपने कबूतर वापस ले आएंगे। हाँ तो दोस्तों, फाइनली हमारा ब्रीडिंग सेटअप बन चुका है, पूरा लकड़ी से तैयार किया गया है। थोड़ा सा मैं आपको इसका टूर दे देता हूँ भाई फटाफट से। तो भाई देखो, ये तो मैंने इसको कुंडा लगाने के लिए बनाया है, ये मेरे पास एक रखा हुआ था, फटाफट से मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे सेटअप बना दिया इसका। और भैया ये यहाँ पर इसको ऐसे करके लॉक किया जा सकता है। ये जाल आपको पता ही है, पहले से ही लगा हुआ था, हालाँकि वहाँ से वो निकल गई थी ऊपर वाली कील, तो मैंने काफ़ी बड़ी सी कील इसमें एक ठोक दी है। तो भाई पूरा लकड़ी से तैयार किया गया है, जो मेरे पास पहले पुरानी पेटियां पड़ी थी उन्हीं का मैंने बनाया है। तो भाई इस बार मैंने 9 खाने बनाए हैं, पूरा सब कुछ लकड़ी का है। ये बेस मैंने ईंट का बनाया था, क्योंकि भाई इसमें थोड़ा सा गैप है, ये देखो 2-2.5 इंच का गैप है, तो ये गैप यहाँ से ईंटों से कवर हो गया। देखो यहाँ को कोई जानवर, बिल्ली कुत्ता या फिर पानी वानी बारिश का नहीं आएगा। तो भाई ये देखो पूरा सेटअप इस तरह से तैयार है। ये पहले वाला फट्टा पड़ा था, ये भी काम आ गया भाई, ये क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गैप हो रहा था तो उस गैप को भरने के लिए यहाँ पे ये फट्टा लगा दिया। और ऊपर भाई पूरी फट्टे से फिटिंग की है, जो पेटियों की लकड़ियाँ थी सब यहाँ पे पिनअप कर दिए हैं भैया।
ये देखो भाई, दूर से देख लो एक बार। और भाई 2 दिन की मेहनत लगी है इसमें, आधा दिन कल लगा था, आधा आज लग गया। भाई आप लोगों को मेरा ब्रीडिंग सेटअप कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। भाई काफ़ी मेहनत की है, एक कमेंट से ही दिल खुश हो जाएगा अगर आप अच्छा सा कमेंट्स कर दोगे। ठीक है भाई, और कल की वीडियो में हम अपने कबूतर लेने जाएंगे, तो वीडियो वो भी ज़रूर देखना और भाई इसको भी लाइक और शेयर कर देना। और अब बात करते हैं भाई इसके खर्चे की। इसमें बहुत ही कम खर्चा आया, लगभग 20 रुपये की तो कील लगी है भैया, उसमें से बच गई थी। और 5 रुपये पेटी के हिसाब से मैं पेटी लाया हुआ हूँ, तो लगभग 4-5 पेटी लगी है, 25 रुपये ही है। 35-40 रुपये में भाई ये 6 और 3 9 खानों की अपना ब्रीडिंग सेटअप तैयार हो गया। भाई आप भी इसको इस तरह से अपने घर पे बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा इसमें इतना काम नहीं है। और भाई ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना, जिससे और दोस्त भी सीख सकें। बाय बाय।